नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और बात करते हैं आज स्टेट बैंक ऑफ टमाटर की। जी हाँ, टमाटर के बढ़ते दामों के चलते अब टमाटर बैंक की खबरें भी वायरल हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर के अनुसार टमाटर के दाम बढ़ने के विरोध में कांग्रेस ने एक अनूठा तरीका अपनाया है। कांग्रेस ने लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ टमाटर के नाम से एक बैंक खोला है, जिसमें आम जन टमाटर को जमा और उसका फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। एक किलो टमाटर जमा कराने पर ये बैंक 6 महीने में उसे 5 गुना कर देगा, यानी ग्राहक को 2 किलो टमाटर अदा किए जाएंगे। इस बैंक में टमाटर को जमा करने के लिए लॉकर की भी व्यवस्था की गई है। कांग्रेस के इस अनूठे प्रदर्शन में आम जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया और टमाटर बैंक में जमा करवाए। स्टेट बैंक ऑफ टमाटर में आकर्षक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिसमें टमाटर लॉकर, टमाटर पर 80% कर्ज की सुविधा और गरीबों के लिए टमाटर जमा करवाने पर आकर्षक ब्याज दिया जाना शामिल है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। इसके लिए कांग्रेस केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।